बुद्ध एक इतिहास पुरुष है, आप किसी से भी पूछ लो, वैज्ञानिक से पूछ लो, इतिहासकार से पूछ लो, उत्कर्णकर्ता से पूछ लो, पुरातत्वविद से पूछ लो, सब कहेंगे कि हाँ बुद्ध तो इतिहास पुरुष हैं। तो तुम कैसी बात कर रहे हो, कहीं तुम 9 अवतार बताते हो, कहीं 24 अवतार बताते हो, कहीं तुम बुद्ध को हटा करके मुरुगन का अवतार बताते हो। ये गपोड़ शंख है, गप कथा है, इस पर यकीन मत कर लेना। एक पक्ष था, इनको समाप्त किया गया, इनका कत्ल किया गया, इनके पुस्तकालय, इनके विश्वविद्यालय को आग लगाई गई, इनके बुद्ध विहारों को, संघारामों को भस्मसात किया गया, इनके विद्वानों को चुन चुन कर गांव में जाते, ये बहुत बड़ा कलाकार है, मारो इसको, अगर ये बौद्ध है, ये बहुत बड़ा दार्शनिक है, मारो इसको। तो इस तरीके का सारे देश में, जैसे मॉब लिंचिंग अब हो रही है ना, उस वक्त भी की थी इन्होंने। ये पुष्यमित्र सिंह की हत्या के बाद जो मॉब लिंचिंग का नंगा नाच इस देश में चला, उसको आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप रोने लगेंगे अपने गौरवशाली विरासत को, आपको लगेगा मेरी आंखों के सामने ही बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है। वो इन्हीं ने किया था सब, जो आज इस देश के शासक बने हुए हैं। तो एक किसी की संस्कृति को समाप्त करने का एक तरीका और होता है, उनके गौरव बिंदुओं को हथिया लो। वो जिन चीज पर वो अपना हक जताते हैं और इतराते हैं, गर्व करते हैं, सीना ठोक कर उन चीजों को पेश करते हैं, उन पर कब्जा कर लो। तो बुद्ध जो थे हमारी आस्था के आधार थे, बुद्ध जो थे संसार के इतिहास पुरुष हैं, उनके जीवन की एक एक घटना ऐतिहासिक है, और पूरे संसार में उनसे अधिक कल्याणकारी कोई हुआ नहीं।